कोई तू भूखो है भाविस? हाँ मैं भूखो हूँ। हेलो बाजार में कोई कोई मळे देखे ना वो? भाविस देख वटे मूंगफली मिले मने मस्त लागे हैं। कोई बात नहीं आपे सॉरी को नहीं करा मूंगफली साके ने देखा। दौड़ भावेश दौड़ अटिया सोरा फासो नैना सोरा बेटा कौन भी हो तू हावल तो है पो अपा कटे हाँ थे हैंग जना भाग्यशाली हो जो को अपने सतंग में पहुंचिया आज आपे बात करोला कि भगवान चावे के आप चोरी जारी नहीं करो। मैं होसू के थे चोरी करन रो विशेष सो को लियो मैं जानू चोरी करनी सो की बात नहीं है पाण कदी कदी मारे ऊपर काबू नहीं राख सकूं क्योंकि थारे पारे वा ताकत है कोनी जिन्हों थे तुम्हारे खुदरे माथे नियंत्रण रख सको थोने किनी एडी दिव्य ताकतरी जरूर है जो को थोने गलत कर्मों आगे रख सके। मारे में घणो ही जोर है मने कनी जरूरत नहीं है। अरे ठीक है मने थोड़ी जरूरत है। आखिर में एडो एक ही मिनक है जो को आपने गलत कर्मों माथे काबू पावन हारू और पाछो जन्म चक्र ने तोड़ने की ताकत दे सके। इन नारियल में इनरे गुप्त ताकत रो राज छुपियोडो। नारियल? हाँ मारा मित्रों मैं चाहूं के मैं थाने एक महान मिनक रे बारे में बताऊं। घणे अद्भुत रूप भगवान यीशु इन संसार में जन्म लिदो तो एक शक्तिशाली तारे रे उजाले में। तीन राजा उन्होंने पूर्व कहानियों देखने आया था। ज्यों ज्यों वे मोटा विया घणा ही होशियारों ने वे खुदरे ज्ञान चकित करिया। वे भगवान यीशु घणा ताकत वाला वेला। हाँ मारा दोस्त वे भगवान जिन्हों ने संसार रचियो यीशु उनारा एकाएक बेटा है। प्रकृति उनारी आज्ञा रो पालन करे। एक दिन वे खुदरे छिलों रे हाथे नाव माथे हुता था। उन टाइम जोरदार बावड़ आई जिनु उनारा चेला डर गया एंड उन्होंने भगवान यीशु ने नींदू जगाया। प्रभु यीशु वावल और झोंको ने थमण रो हुकम दीदो उन्हीं टाइम वावल और मौका डबिया परा। एक दिन भगवान यीशु रे दोस्त लाजरस री मौत वीपी। जब भगवान यीशु लाजरस री कब्र माथे पहुंचिया जने लाजरस ने मरिया चार दिन विया था। जद यीशु लाजरस ने नाम लेन हको की दो जने लाजरस पासो जिंदो वेगो और पूरी तरह चंगो वेगो। एक दिन यीशु 5000 मिनखों ने प्रवचन देवता था और उन लोगों ने घनी भूख लगी थी। वटे एक छोरा पाड़े 5 बाटियां एन 2 माछलियां हैती। यीशु ने 5 बाटियां और 2 माछलियां ने लेर आशीष दीदो और चमत्कारु हैंग मिनखों ने जीवन करायो। खावन रे पुठी घणो जीवन लारे रियो। भगवान यीशु हैंगारी जरूरतों ध्यान रखे एंड आपा सबाऊं घणो प्रेम करे। पण भावे जाननी चावे इन सबोरो नालेरु कई लेणो देणो। यीशु इन संसार में आया कि आपाऊं प्रेम करण और आपाणी मदद करण। पण कोई मिनक उणाऊं नफरत करता और उन्होंने मारनी चावता। यीशु ने दुराचारियों कानियों गिरफ्तार किया और उन्होंने मौत री सजा दी दी। यीशु ने भाकर माथे ले जान उनारे हाथ पग में केल ठोकी हुली माथे चढ़ाया। जने वे खुदरी आत्मा ने आपरे पिता जी रे हाथों में हूपर देवलोक वेगा। एक मिनट रुको अगर भगवान विष्णु
इतना ताकत वाला था तो वे की कर मरिया। घनो बढ़िया सवाल। उनारी मौत दुर्घटना में भी वो एक उद्देश्य रे हारू देवलोक वियो। ज्यो नारियल टूटो व्यो यशुरी देरो बलिदान वियो। जने आपा बचिया जिको खून यशु बहायो उन खून में आपने पापों ने माफ करने री शक्ति है ती। तो वणारी मौत में ताकत थी। अर अठे पूरो नी वियो। यशु रे देवलोक वेवन रे पुटी उनारे चेलों ने उनरी देर ने कब्र में राखी। पण तीन दिन पुटी यशु पाचा जीवता विया और कब्रों बारे आया। इन पुटी वे खुदरे चेलारे हामे प्रकट विया और आदेश दिदो के उनारे नाम ने जाए ने पूरे संसार में हुनावो। यशु खुदरे चेलाओं वादो कियो कि एक दिन वे पाछो शक्ति और मेमारे हाथे आवेला। अन पछे वे स्वर्ग गया और अजे ताई वे वठई राजा बनियो डाए। खाली प्रभु यशु री आज्ञा रो पालन करण और उनारे माथे विश्वास करणो आपरा पाप खत्म वे जावे। मैंने भावेस भगवान यशु रा छेला बनना चाहो विनर ऊपर विश्वास करनी चाहो। घणो बढ़िया मारा प्यारा टावरा। आखिर में तो सरो थे फास मिल ली गया। मूंगफली री सोरी की दी जो को मोने माफ करो। ले थाने माफ करियो थोड़ी मूंगफलियां लेने जाओ। हालो आपा हैंग मिलन धन्यवाद दो और खुश वो के आपा ने भगवान यीशु रे नाम है। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। एक बार आवो नी यीशु जी मारे पावना। थारा छोरा छोरी जो थारी पाट यीशु जी मारा लाड केला। थारा छोरा छोरी जो थारी पाट यीशु जी मारा लाड केला।